आदरणीय मंच पर बैठे हुए सारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, श्री एंथनी जी, खारगे जी और देश के विभिन्न भागों से आए हुए मेरे कांग्रेस भाइयों, बहनों, किसानों और नौजवानों, मुझे बहुत खुशी है कि आज जो रैली किसानों के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने रखी है उसमें इतनी बड़ी हाजिरी हुई है जो शायद भाजपा वाले सपने में भी देख पाते थे। आज जितना रिस्पांस मिला है इस रैली को और देश के दूर दूर भागों से लोग आए हैं, दूर दराज इलाकों से आए हैं, उसे जाहिर है कि आज हमारे लोगों के दिल के अंदर किसानों की जो समस्या है उसके लिए कितना स्थान है, वो उससे कितने आज वो नाराज़ हुए हैं। आप जानते हैं आज़ादी हासिल करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि जो पुश्तों से मजारे थे, ज़मींदार मालिक थे और किसान जो थोड़े मजारे थे उनको मलकियत दी गई, उनको भूमि का मालिक बनाया गया और उसके बाद किसानों के हितों के लिए अनेक कदम उठाए गए। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सब चीज़ का विस्तृत रूप से वर्णन कर सकूं। और आज जो ये कानून पास किया गया है या कानून पास करने की कोशिश की जा रही है भाजपा सरकार के द्वारा, वो किसानों के हित में नहीं है, वो पूंजीपतियों के, उद्योगपतियों के हित में है। मुझे हैरानी है, जब यूपी सरकार ने इस कानून को पास किया था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने भी लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर इसका समर्थन किया था, बेंचों को पीट पीट कर इसका समर्थन किया था। आज कौन सी बात ऐसी हो गई है, उन्हें जो है अपना वो जो उस स्टैंड दिया था उसको आज बदलने की ज़रूरत पड़ी है। इसमें कोई राय नहीं है कि उद्योग भी बनने चाहिए, उद्योगों के लिए भी भूमि की ज़रूरत है, मगर इट कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द फार्मर्स। जो हमारे किसान हैं उनको अपनी भूमि का पूरा पूरा मुआवजा मिलना चाहिए और उनकी सहमति के बिना जो है वो भूमि अधिग्रहित नहीं होनी चाहिए, ये ज़रूरी बात है। क्योंकि वो अगर मुआवजा लेते हैं तो वो कोई उद्योगपति नहीं है जो उसे उद्योग लगाएंगे या उस पूंजी को वो आगे तक बढ़ाएंगे, वो पैसा आता है चंद दिनों में खर्च हो जाता है और फिर उनकी स्थिति जो है बद से बदतर हो जाती है। और आज ये जो भारतीय जनता पार्टी ने पलटी खाई है इस विषय में, मैं समझता हूँ कि ये न्याय संगत नहीं है। और आज सारा देश यहाँ पर कांग्रेस के झंडे के नीचे उमड़ कर यहाँ पर आया है अपना विरोध जताने के लिए और इस चीज़ को कहने के लिए कि देश का किसान, मजदूर, खेतीहर मजदूर जो है वो इस बिल के ख़िलाफ़ है और इसमें परिवर्तन होना चाहिए और इसको जो है यथा पूर्व जो है इसको रखना चाहिए। आज जो सरकार है वो हर चीज़ को बदल रही है, क्या किसानों के लिए बदल रही है। मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूँ, हम स्पेशल कैटेगरी राज्य है और उसको, और जब तक प्लानिंग कमीशन रहा उन्होंने हमारे दर्जे को जो है वो उसका आदर किया। आज नीति आयोग बनी है, हमें पता नहीं हम कहाँ हैं। मैं आभारी हूँ 14वें वित्त आयोग का जिन्होंने कि हमें अच्छा अवार्ड दिया है, मगर जो भारत सरकार ने करना था, जो हमें स्पेशल कैटेगरी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, वो डामाडोल हो गया है। तो इस तरह से एक निर्धारित नीति जो कि दशकों से चल रही है उसको बिना बातचीत करके एकदम से बदलना, ऊपर से थोपना जो है कोई प्रजातंत्र का कोई असली बात नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमें किसानों को मजबूत करना है, उनकी ज़मीन की रक्षा करनी है, उनको खेतों के लिए पानी पहुँचाना है और उनके उत्पाद को उचित मूल्य मिले, इस चीज़ को हमें सुरक्षित करना है। और आज ये कांग्रेस सरकार थी जिसने कि जो प्रक्योर हुआ अनाज, जो किसानों से अनाज लिया गया
उसके भरपूर मुआवजा जो है वो किसानों को मिला। और आज दूसरी बात हो रही है कि आप उनको हटा दें ज़मीन के मालिक से और वहाँ पर इंडस्ट्रीज को लगाइए। इंडस्ट्री लगनी चाहिए बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फार्मर्स, ये मैं कहना चाहूँगा। इन शब्दों के साथ मैं जो यहाँ रैली में आए हैं लोग उनको मैं बधाई देता हूँ। हिमाचल प्रदेश से भी यद्यपि हम बहुत दूर दराज में हैं, काफ़ी मात्रा में हमारे यहाँ पर जो है भाई बहन और बच्चे यहाँ पर आए हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। और आप लोग जो आए हैं देश के विभिन्न भागों से, आपका भी स्वागत करता हूँ कि आपने एक सॉलिडरिटी दिखाई है। और आप जब देखते हैं कि सारे किसान और मजदूर, खेतीहर मजदूर जो है कांग्रेस के झंडे के लिए इकट्ठे हैं, अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।